नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैम और आप देख रहे हैं डून मिरर। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग फिजिकल एजुकेशन के पेपर डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और मैं इनके आंसर्स के साथ प्रोवाइड करते रहूँ। यहाँ पे देखो, आप लोग को इन्हें सब चीज़ को मतलब कि एक तो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, तो आप लोग को ये थ्योरी टाइप में होता है, तो इसे याद कर लेना होता है, तो याद कर लीजिएगा इसे। थोड़ा वो समझने वाली बातें होती हैं, जैसे कि अभी फिक्सचर्स वगैरह ड्रॉ करने को इसमें आते हैं, तो पहला चैप्टर हम लोग कम वो कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ से फिफ्थ क्वेश्चन से सिक्स सेवन्थ क्वेश्चन हो गया। इसके बाद से इसमें हम लोग साइक्लिक मेथड से कैसे हम लोग और फिक्सचर्स ड्रॉ करते हैं ये सब देख लेते हैं। एंड उसके बाद से ये एट्थ क्वेश्चन, अभी कुछ इस तरह के क्वेश्चन सारे देख लो। मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, पीडीएफ का लिंक। और बता दूं कि यहाँ पे क्लास 12 के रिगार्डिंग सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, जैसे कोई हैंड रिटन नोट्स, उसके साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट्स के। इस बार शॉर्ट क्वेश्चन आंसर काफी ज्यादा एग्जाम्स में आना है, तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको काफी मिलेंगे। चलो, इसी के साथ हम लोग चैप्टर टू पे आ गए। आप यहाँ पे पॉज करके रीड कर सकते हो। देखो, हम यहाँ पे लास्ट ईयर के मॉडल टेस्ट पेपर पे डिस्कस करेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर बेसिकली ऐसा रहेगा जो इम्पोर्टेंट हो, और काफी अच्छे वेबसाइट से मैं उठा के दे दूंगा आप लोगों को, क्योंकि मॉडल पेपर पे जो पेपर होते हैं कुछ चुनिंदा जो टीचर्स होते हैं काफी अच्छे से बनाते हैं, तो उनका मैं उठा के दे दूंगा आपको। तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे फायदा ही होगा आपका। यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होते हैं फिजिक्स के, वो मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा यहाँ पे, और उसे आसान तरीके से सॉल्व कर दूंगा, जिससे कि आपको अगर कोई भी डिफिकल्टीज होती होगी तो भी नहीं होगा। ये योगा से रिगार्डिंग हम लोग आ गए हैं चैप्टर थर्ड पे, तो आप इन्हें देख सकते हो। इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखो, ये क्वेश्चन है सारे जो एग्जाम से पूछे गए, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो और किताब से आप डिस्कस कर सकते हो और किताब से देख सकते हो कि कैसे है। ये उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और उसके लॉन्ग क्वेश्चन है। अब चैप्टर फोर क्या गए, चैप्टर फोर के बस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाल दिया। ये चैप्टर फोर में मैंने कोई शॉर्ट आंसर नहीं लिखा था, क्योंकि ये एज अ बुक्स में वैसे मिल जाता है, इसलिए चैप्टर फिफ्थ में मैंने आंसर रखा है, आप इसे देख सकते हो। लॉर्डोसिस क्या होता है, ये सब चीजें, नॉकनी क्या होता है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम्स में आते ही है। फ्लैट फुट, बॉल लेग, इसके साथ साथ ये राउंड शोल्डर, ये सब चीजें मतलब कि दो दो लाइन के थे, इनके आंसर होते हैं। इसे आप लोग को याद कर देना जाना चाहिए, और कम से कम इन्हें तो दो तीन बार लिख के याद करो, तभी याद होगा अच्छे से। और फिजिकल एजुकेशन ऐसा होता है जो परसेंटेज हमें बढ़ाने में बहुत मदद करता है। आप लोग बता दो कि इस चैनल पे खासकर अच्छे क्वेश्चंस के साथ साथ आपके जो भी रिगार्डिंग 12 के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रहेगा, सारा सारा अपलोड होता रहता है यहाँ पे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे जो भी मॉडल पेपर आएगा और उसके साथ साथ जो भी हमारे पास यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, मैंने जैसे बताया कि हैंड रिटन नोट्स हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो आप हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा आपको, वो भी पीडीएफ फॉर्म में, तो आप देख सकते हो उसे भी। इसका भी लिंक बन जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका भी लिंक। ये चैप्टर सिक्स में आ गए हम लोग। इनके क्वेश्चंस आप टीचर से भी डिस्कस कर सकते हो और बुक से भी देख सकते हो, तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा इसका। और यहाँ पे कुछ खास नहीं था, उसलिए इसके आंसर नहीं रखे गए। सेम वे यहाँ पे है टेस्ट एंड मेजरमेंट में, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर है वो मैं इसके बाहर दे दे रहा हूँ। यहाँ पे फिर से मैंने आंसर ले लिया है इसका, यहाँ पे दो तीन चैप्टर्स मैंने आंसर नहीं लिखे थे उसके पास से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो,
ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके अभी आंसर्स नहीं थे तो आंसर हमने प्रोवाइड नहीं किया, हालांकि अगर आप लोग जरूरत होगी तो इनके भी आंसर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप क्वेश्चंस को देख सकते हो, इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये 12 चैप्टर्स के एंड देन अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे स्पोर्ट ट्रेनिंग और इनके डेफिनेशन मीनिंग्स वगैरह, ये एग्जाम्स में आते ही रहते हैं, साथ साथ नंबर में आते हैं कई बार। और साथ में ये तो 5 में आते हैं शायद, ओके। स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग मेथड क्या होता है यहाँ पे लिखा गया पूरा डिस्कस अच्छे से। वैसे भी आप लोग फिजिकल एजुकेशन के नोट्स बनाते हो नहीं, तो खासकर यहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस क्या होते हैं, इनके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये सब चीजें, ये सब पढ़ लेना। देखो ये फास्ट पेस कंटिन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड क्या होता है, शॉर्ट टाइम क्या होता है, मिडिल टाइम क्या होता है, लॉन्ग टाइम क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम्स में ये सब आते हैं, देखो यहाँ पे कुछ खास नहीं होता, कोई भी पढ़ने नहीं आता, आप लोगों को बस थ्योरी पता होनी चाहिए और लिख सकते हो आप। ये पेस रन मेथड क्या होता है, और इसके साथ साथ आप लोग को यहाँ पे अब मैं कुछ सैंपल पेपर दे दे रहा हूँ, जो ये 17-18 का सैंपल पेपर था, तो ये सैंपल पेपर आप देख सकते हो, 5 नंबर में आता है, जो मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था। ये इनके एक एक नंबर देख रहे हो, शॉर्ट्स में कितने सारे क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर में, और इस बार तो और ज्यादा है। तीन नंबर में फिर काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, और ये यहाँ देखो ये क्वेश्चंस कितना आसान है, जो कि हम लोग बता सकते हैं आसानी से, तो यहाँ पे फेल होने कोई चांस नहीं होता, लेकिन ये नंबर बढ़ाता है ना, तो इसलिए हम लोग को नंबर्स के लिए वो करना चाहिए। तो आप बस यहीं पे ये खत्म होता है, और आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ से मैं जैसे मैंने बताया कि आपको हमेशा यहाँ से बेनिफिट मिलना है, 12 के रिगार्डिंग सारे नोट्स वगैरह भी मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।